नमस्कार साथियों, आज आपको एक अंतरिक्षीय साजिश के बारे में बता रही हूँ। अंतरिक्षीय साजिश, जी हाँ, हमारे बाल नरेन के बारे में। बाल नरेन धरती पर अवतरित हुए, उन्हें हिमालय की चोटी पर किसी ने छोड़ दिया। ये अंतरिक्षीय साजिश थी ताकि भारत को पता चल सके कि भारत क्या है, दुनिया को पता चल सके कि ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। और ये बालक जो है, ये वहाँ पर बड़ा होने लगा। फिर उसने वहाँ पे गुफा बनाई, उस गुफा में बैठकर ध्यान किया और पूरी प्लानिंग करी वहीं से कि अब मैं आगे 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 क्या करूँगा। फिर वहाँ से उड़ता हुआ वो गया वार्डनगर। वार्डनगर में रेलवे स्टेशन पर वो बच्चा बैठकर चाय बेच रहा था। वो कहता है कि उसके पिताजी चाय बेचते थे, पिताजी की फ़ोटो मैंने नहीं देखी। मगर जब माता उसके सामने आई, बड़ी प्यारी माता है, और जब माता के चेहरे पे भी आप देखेंगे बहुत प्यार छलकता है। पर माता जब आई तो ये बालक जो है, इसने माता को कहा कि माता, तेरा भला करने आया हूँ, मैं तेरा बेटा बन के आया हूँ, तो तू धन्य है। नहीं, मैं धन्य हूँ इसलिए माता तुम हो गई धन्य। खैर, बेटा बड़ा होने लगा, बेटा घर से भाग गया, बेटे ने चोरी भी करी, शायद किसी के गहनों की, पिताजी नाराज भी हुए। ये सब तो कहानियां हैं, मगर असली कहानी ये है कि वही बेटा जो है, वो एक मगरमच्छ के बच्चे को उठा के लेके आया। आप लोग को तो पता ही नहीं था, वो जो मगरमच्छ का बच्चा था वो अंतरिक्ष का एक स्पेस सैटेलाइट था, और ये बात हमें कुछ समय पहले पता चली। खैर, इसके अलावा इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा, मगर साइंस भी तो था, पॉलिटिकल साइंस। तो इन्होंने विज्ञान के बारे में क्या कुछ नहीं बताया। अभी डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या बताया कि आप एक टरबाइन में से, हवा में से ऑक्सीजन भी निकाल लीजिए, आप पानी भी निकाल लीजिए हवा में से, और वीड एनर्जी तो बनेगी ही,